हक हमारा हमको दो, वरना तो सूट छोड़ दो। हक हमारा हमको दो, वरना तो सूट छोड़ दो। आज हमारे प्रोटेस्ट का 15वां दिन है। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था 34 दिन का, जिसपे हमारे साथ हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन आज तक बहुत सारे वादों को नहीं अमलाया गया, जिसमें बिलखसूस हमारा वादा था रेगुलराइजेशन, फेज़ वाइज रेगुलराइजेशन का, जो कि हेल्थ मंत्रालय ने हमसे वादा किया गया था। उनने कहा था कि पहले फेज़ में करीब करीब 1100 एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन वो फाइल कहाँ पे चली गई है उसका हमें कुछ अता पता नहीं है। दूसरा हमारा जो मुद्दा था वो था इक्वल पे इक्वल वर्क। उन्हें हमसे कहा गया था कि जब तक पहले फेज़ को रेगुलर नहीं किया जाएगा तब तक अक्रॉस द ऑल कैटेगरीज इक्वल पे इक्वल वर्क लागू किया जाएगा, लेकिन उसका भी कहाँ पे गया वो भी कुछ नहीं पता। इसके बगैर हमारा जो तीसरा मुद्दा था वो था सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो कि इंसानियत पर ऊपर एक मुद्दा था, लेकिन वो भी आज तक सर मुहरी की वजह से शिकार हुआ। इसके बगैर हमने यही बारहा बार गवर्नमेंट से मुतालबात किए गए कि जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको फ़ौरन से पेशतर अमलाया जाए। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.